जिल्ह्यातील सर्व पक्षकारांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत अशी कळकळीची विनंती करतो की दिनांक 12 डिसेंबर 2020 रोजी परभणी जिल्हा न्यायालय येथे होणाऱ्या लोकन्यायालयामध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा करून राष्ट्रीय कार्यामध्ये सहभागी व्हावे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभणी अपडेट न्यूज़ परभणी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन आपको बता दें कि कल 7 दिसंबर को परभणी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभणी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 7 दिसंबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से खुला रखने का आदेश दिया गया था। तो कुल मिलाकर कल 7 दिसंबर को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर आज 6 दिसंबर का दिन है और आज 6 दिसंबर 1992 को जो आतंकी हमला बाबरी मस्जिद पर हुआ था और जिसको शहीद कर दिया गया था उसी की बरसी आज 28वीं बरसी आज पूरे देश भर में मनाई जा रही है और बड़े ही दुख और गम और गुस्से के साथ इस दिन को याद किया जाता है और पूरे देश भर में 6 दिसंबर को ब्लैक डे काले दिन के तौर पर मनाया जाता है। आज 6 दिसंबर के दिन और आज जो बाबरी मस्जिद शहादत का दिन है तो हिंदुस्तान के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक शेर है कि टूटा हुआ गुंबद कहता है टूटा हुआ मीनार यही, टूटा हुआ गुंबद कहता है टूटा हुआ मीनार यही और अदालत का कहता है मीनार यही और अदालत का कहता है मीनार यही। अदल का चेहरा धुआं धुआं है, अदल का चेहरा धुआं धुआं है, आखिर क्यों शफाफ नहीं, आखिर क्यों शफाफ नहीं। तुम इसको इंसाफ कहोगे, तुम इसको इंसाफ कहोगे लेकिन ये इंसाफ नहीं, लेकिन ये इंसाफ नहीं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का खुद सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि पिछले 500 सालों से वहाँ पर मस्जिद ही थी, किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई थी और उसके बाद फिर दिन के टाइम पर पुलिस प्रशासन के सामने मस्जिद को शहीद किया गया। इन तमाम बातों को सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है लेकिन पूरे देश में ये अपने आप में ये एक मामला ऐसा होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है कि ये सब गलत हुआ है और फिर भी आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद की 75 एकड़ ज़मीन आस्था की बुनियाद पर दूसरे पक्ष को दे दी गई और वहीं पर बग़ैर मांगे मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी जाती है। तो ये काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है और इस नाइंसाफ़ी को पूरे देश भर में 6 दिसंबर को इस दिन को याद किया जाता है और बाबरी मस्जिद की शहादत को याद किया जाता है। तो आज परभणी में भी MIM की तरफ से आज 6 दिसंबर 1992 की जो मस्जिद की शहादत हुई है उसमें परभणी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनके ज़रिए से राष्ट्रपति को एक निवेदन दिया गया और मांग की गई कि बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले उन तमाम ही आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मस्जिद जहां पर थी वहीं पर फिर दोबारा बनाकर मुस्लिम पक्ष को दी जाए। ऐसी मांग परभणी MIM के ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान और उनकी पूरी पार्टी के तमाम ही पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने आज 6 दिसंबर को की है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का और एक शेर है जो इसी बाबरी मस्जिद शहादत के ऊपर उन्होंने कहा था कि ऐ मेरे हमनशी तुम ही रख लो, ऐ मेरे हमनशी तुम ही रख लो, मेरा टूटा हुआ यकीन तुम ही रख लो, मैंने खैरात तो नहीं मांगी थी, मैंने खैरात तो नहीं मांगी थी, 5 एकड़ ज़मीन तुम ही रख लो। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 7 दिसंबर 2020 रोजी कुल हिंद मजलिस इत्यादी मुस्लिम इंडिया पक्षाकडून जिल्हाधिकारी यांना एक मेमोरँडम देऊन जी बाबरी मस्जिद विध्वंस घडवण्यात आला होता त्याच्यातील दोषी आरोपींना शिक्षा करण्यात यावी व त्यांच्या विरुद्ध अपील फाईल करण्यात यावी तसेच बाबरी मस्जिद जिथे होती तिथे ते बांधण्यात यावी याबद्दल सर्व मुस्लिम समुदाय आणि MIM पार्टीकडून आम्ही आज निवेदन दिलेलं आहे आणि ते राष्ट्रपतींना जिल्हाधिकारी मार्फत जाणार आहे। तसेच सर्व तालुक्यांमध्ये सुद्धा सर्व युनिट
तहसीलदार किंवा एसडीओकडे निवेदन देणार आहेत। अशा प्रकारे आम्ही आज रोजी एमआयएम पक्षाकडून बाबरी मस्जिद जी शहीद झाली होती त्या संदर्भात निषेध नोंदवले। आइए नाजरीन डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नजर। तीसरी जो अहम खबर है वो आज 6 दिसंबर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन आज पूरे देश भर में मनाया जाता है और उनको बड़ी ही खिराज अकीदत पेश की जाती है, उनको याद किया जाता है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दूसरे दिन यानी 7 दिसंबर 1956 को मुंबई की चैत्य भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पार्थिव शरीर को लाया गया और बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से उनकी तमाम आखिरी रसूमात पूरी की गई और वहीं पर मुंबई की चैत्य भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 14 अक्टूबर 1956 को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा ज़रूर हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूँगा नहीं, और उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकारा था। और 6 दिसंबर 1956 को जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तो इसी दिन को महापरिनिर्वाण दिन के तौर पर उन्हें याद किया जाता है और उन्हें खिराज अकीदत पेश की जाती है। तो हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे और जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे पूरे परभनी अपडेट न्यूज़ टीम की तरफ से खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज परभनी में भी 6 दिसंबर जो महापरिनिर्वाण दिन यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतला परिसर में मनाया जाता है और उनको याद किया जाता है, तो आज परभनी के तमाम ही सियासी पार्टियों के नेताओं ने आज उनको खिराज अकीदत पेश की, जिसमें राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, उन्होंने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। उन्हीं के साथ में परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इन्होंने भी याद किया। तो वहीं पर एमआईएम के जिलाध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान और उनकी तमाम पार्टी के मेंबरान ने भी खिराज अकीदत पेश की। आज 7 दिसंबर 2020 रोजी डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर भारत रत्न किंवा महापुरुष ज्यांनी भारताचे संविधान घडवले त्या माणसाचा आज महापरिनिर्वाण दिन म्हणून परभणी एमआयएम टीम आणि एमआयएम पक्षाकडून आज सर्वत्र परभणी संपूर्ण परभणी जिल्ह्यात त्यांना अभिवादन करण्यात आलेले आहे। आणि तसेच सगळ्या टीम तालुका आणि जिल्ह्याच्या टीममध्ये सुद्धा त्यांना अभिवादन देण्यात आलेले आहे आणि आम्ही सुद्धा बाबासाहेबांचं कौतुक करण्यात आणि त्यांना सोबत घेऊन आंबेडकरी चळवळीतील आणि त्यांच्या विचारांना घेऊन समोर चालणारी हे एमआयएम पक्ष आहे। आइए नाजरीन डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नजर। चौथी सबसे अहम खबर, परभनी के शिवाजी नगर हाउसिंग सोसाइटी में 56 सीसीटीवी कैमरे बिठाए गए, जो परभनी के शिवसेना के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इनके जरिए से ये बिठाए गए। तो वहीं पर 2 वॉचमैन भी परभनी में शिवाजी नगर हाउसिंग सोसाइटी में वहां पर रखे गए, पूरी हाउसिंग सोसाइटी की देखरेख रात के वक्त में करने के लिए। तो उसी के साथ में जो शिवाजी नगर हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ के प्रवेश द्वार का भी भूमि पूजन आज दौलतराव चौधरी, जो वहाँ के रहने वाले सीनियर सिटीजन हैं, उनके हाथों से किया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी में जो शिवाजी नगर हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इन्होंने इसको रोल मॉडल बताया और कहा कि आने वाले दिनों में तमाम ही हाउसिंग सोसाइटियों में, वार्डों में इसी तरह से सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ऐसा भी उन्होंने आज के इस उद्घाटन प्रोग्राम में कहा है। शिवाजी नगर हाउसिंग सोसाइटी के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर विवेक नाविंदर साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में तमाम ही शिवसेना के कार्यकर्ते, पदाधिकारी और शिवाजी नगर हाउसिंग सोसाइटी के तमाम मेंबर्स और वहां के रहने वाले नागरिक बड़ी तादाद में मौजूद थे। आइए नाजरीन डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी जो अहम खबर है वो मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 6 दिसंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि कुल मिलाकर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 7,265 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं पूरी तरह से ठीक होकर
अपने घरों को जा चुके हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद 6,811 बताई जा रही है। तो वहीं पर अब तक पूरे परभणी ज़िले में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाने वाले पेशेंट की तादाद 291 पहुंच चुकी है। 291 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभणी ज़िले में हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए, ऐसे पेशेंट जो कोरोना की चपेट में हैं और परभणी में इलाज ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद अब भी 163 बताई जा रही है। 163 लोग अब भी एक्टिव है, कोरोना की चपेट में है और वो परभणी में अपना इलाज ले रहे हैं। अगर आज 6 दिसंबर के दिन की बात की जाए तो आज के दिन डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। 17 लोगों को आज डिस्चार्ज मिला है। 17 पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है और वो पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर आज पूरे परभणी ज़िले में 15 नए कोरोना के मरीज़ पाए गए हैं। तो वहीं पर आज कोरोना की वजह से एक पेशेंट की मौत परभणी में रजिस्टर्ड की गई। जो पेशेंट दूसरे ज़िले के रहने वाले थे लेकिन उनकी मौत यहां परभणी हॉस्पिटल में हुई है, इसलिए उनकी मौत का रजिस्ट्रेशन यहां पर हुआ है। तो एक की मौत हुई है। कुल मिलाकर ये आज 6 दिसंबर का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभणी ज़िला प्रशासन और ख़ासतौर पर परभणी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभणी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन, आरोग्य विभाग, जिला परिषद और जिला प्रशासन चला रहा है, इस 3 सूत्री मुहिम में अपना पूरा पूरा सहयोग दीजिए। घर से निकलते समय मास्क ज़रूर लगाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखिए। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभणी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभणी अपडेट न्यूज़।